हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों को एक यूनिक चीज़ बताई जाएगी वोकैबुलरी के बारे में। और वोकैबुलरी के जो वर्ड्स रहेंगे, ऐसे वर्ड्स हैं जो उस शब्द जो है खुद बोलेगा कि हमारा मतलब क्या होता है, इस तरह से बताया जाएगा। एक एक शब्द जो है आपको अपनी मीनिंग को खुद बताएगा। जैसे आप देख सकते हैं, मैस्टिकेट, मैस्टिकेट, जैसे आप इसको मैस्टी मतलब इसको सेट किया गया है, जैसे मैस्टी मतलब मस्ती, कट मतलब काटना, मस्ती से काटना, यानी कोई चीज़ चबाते हैं तो उसे कहते हैं मैस्टिकेट। मैस्टिकेट मीन्स चबाना। आप देख सकते हैं मैस्टी मतलब मस्ती, सी ए टी कैट यानी मस्ती से काटना यानी चबाना। इसके बाद देखिए वर्डेंट है, वर्डेंट भी अपने मीनिंग को बता रहा है। जैसे आप टी को छोड़ दीजिए, वरदान, ए वी ई आर डी ए एन, टी को छोड़िए, वरदान, यानी जिसको भी अगर कोई वरदान मिल गया तो वह व्यक्ति हरा भरा हो जाता है या पर्याप्त हो जाता है, उसे उसके पास सब कुछ पर्याप्त हो जाता है। तो वर्डन का मतलब हरा भरा या पर्याप्त। इसके बाद देखिए डिस्पोज, डिस का मतलब होता है जैसे गायब कर देना, यानी अपोजिट होता है, अपोजिट के लिए डिस का यूज करते हैं, या हटा देना। पोज का मतलब जैसे पोजीशन, यानी किसी भी चीज़ को पोजीशन से हटा देना, उसका निपटारा कर देना, निपटा देना या देना। जैसे कोई सामान हम किसी को देंगे तो उसे उस स्थान से डिस करेंगे, हटाएंगे, तो डिस्पोज हो जाएगा, निपटाना या देना। हैंग्री, हैंग्री एक बहुत खूबसूरत वर्ड है। हैंग्री का मतलब यस से हंग्री होगा और इसके बाद एंग्री है ही, यानी भूख के कारण क्रोधित होना। जैसे भूख लग जाती है तो लोग क्रोधित हो जाते हैं, तो हैंग्री एक ऐसा शब्द है, यस फॉर मतलब हंग्री और एंग्री दिया ही है, दोनों को मिलाकर हो गया मतलब हैंग्री यानी भूख के कारण क्रोधित होना। इसके बाद है जैबर, जैबर में देख सकते हैं जवाब देने, ई आर मतलब ई आर लगता है, कर्ता को बताता है कि वो काम करने वाला है। जैसे ऐसा इस तरह से सेट किया गया ताकि आपको वर्ड में उसके वर्ड को लर्न करने में आसानी हो। जैसे जैबर है, जैसे जे ए बी बी यानी जवाब, ई आर आर यानी जवाब देने वाला, यानी तेज़ी से बात करना, इसका मतलब तेज़ी से बात करना हो जाएगा। सागा, सागा भी हैंग्री की तरह ही सेट किया गया है। जैसे यस से सॉन्ग, गा से मतलब गाते हैं, यानी हम उसी की गीत को या गाना को गाते हैं जिसकी कहानी लंबी होती है, तो सैगा का मतलब लंबी कहानी। इसके बाद देख सकते हैं जॉवियल, देखिए जे ओ वी, जॉ यानी जॉय से मिल रहा है, जे ओ वी, जे ओ वी आई ए एल, ए खुद बता रहा है ये जॉय से मिल रहा है, जॉय मतलब आनंद या प्रसन्न, तो इसका मतलब प्रसन्न होगा या आनंद होगा। बैन, बैन को आप ई हटा देंगे तो बैन हो जाएगा, किसी के भी ऊपर अगर बैन लगाएंगे तो वह अप्रसन्न होगा, तो मतलब इसका हो जाएगा अप्रसन्न करना। उसके बाद ऑब्सेशन है, ऑब्सेशन का मतलब जैसे अब सेशन, उसके दिमाग में हमेशा सेशन चलता रहता है। जैसे हम ले रहे हैं वोकैबुलरी का सेशन ले रहे हैं, उसी तरह किसी व्यक्ति के दिमाग में हमेशा सेशन चल रहा है, हमेशा तमाम प्रकार की बातें चल रही हैं, तो उसे कहते हैं हमेशा सोचते रहना। इसके बाद है वीर, ये वीर इंग्लिश का शब्द है, हिंदी में वीर जो है किसी भी चीज़ को चेंज कर सकता है अपने बहादुरी के बल से, जैसे दिशा परिवर्तित कर सकता है अपने पावर से, तो उसी तरह वीर का मतलब अचानक दिशा बदल देना। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा।
अगर इस तरह की और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिएगा। इस तरह के वर्ड्स आपको वोकैबुलरी के दिए जाएंगे जो याद करने में आपके लिए बहुत आसानी होगी। और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू।